Hello everyone, hope you are fit and fine. Today I am going to explain the third poem from Flamingo, and the name of the poem is Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. Pablo Neruda was a pen name and later legal name of this famous Chilean poet, diplomat, politician. Pablo Neruda पहले इस प्रसिद्ध चिली कवि जो कि एक कूटनीतिज्ञ भी था और राजनीतिज्ञ भी था, उसका पेन नेम था और बाद में उसने उसे अपना लीगल नेम यानी कानूनी नाम बना लिया था। ही वॉन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। उन्होंने वर्ष 1971 में साहित्य के लिए नोबल प्राइज जीता। ही रॉट इन ग्रीन इंक विच वॉज अ पर्सनल सिंबल फॉर डिजायर एंड होप। उन्होंने हरी इंक से लिखा जो कि होप एंड डिजायर मतलब इच्छा और आशा के लिए उनका व्यक्तिगत प्रतीक था, पर्सनल सिंबल था। हिज राइटिंग्स आर सिंपल। उनकी जो राइटिंग्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। वेयर इन लाइज देयर ब्यूटी, जिनमें उनकी सुंदरता मतलब राइटिंग्स की जो सुंदरता है वो निहित है। ओरिजिनली रिटन इन स्पेनिश, मूल रूप से स्पेनिश में लिखी गई। द एसेंस ऑफ दिस पोएम इज बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन एंड रिट्रोस्पेक्शन। तो मूल रूप से स्पेनिश में लिखी गई इस कविता का जो सार है वो क्या है, वो इंट्रोस्पेक्शन है और रेट्रोस्पेक्शन है, मतलब आत्मनिरीक्षण है और पूर्व व्यापीकरण है। द पोइट फील्स दैट सम सोल सर्चिंग इन नीडेड फॉर अस टू बी एट पीस विद आवरसेल्स एंड अदर्स। कवि को लगता है कि कुछ जो सोल सर्चिंग मतलब आत्मा खोज हमें स्वयं और दूसरों के साथ शांति रखने के लिए आवश्यक है। दिस पोएम इज एन एंटी वॉर पोएम, यह युद्ध विरोधी कविता है। द पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो नेरुदा डिस्कसेस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस। पेब्लो नेरुदा द्वारा लिखित कविता कीपिंग क्वाइट शांति और चुप्पी बनाए रखने की आवश्यकता पर चर्चा करती है। द पोएट स्ट्रेसेस द नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन, कवि आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर बल देता है। ही सजेस्ट दैट In order to maintain peace and harmony, it is required to stop ourselves and introspect. तो उनका सुझाव है कि शांति और सद्भाव को बनाए रखने के लिए हमें अपने आप को रोकना है और आत्मनिरीक्षण करना है, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। The poet is deeply moved by the violence, cruelty to animals and the plight of manual workers. कवि जो है वो वायलेंस, हिंसा, जानवरों के प्रति क्रूरता और जो वर्कर्स हैं उनकी जो दुर्दशा से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। ही सेज क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन इज द सोल्यूशन टू द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स। वह कहता है कि शांत आत्मनिरीक्षण जो है वो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समस्याओं का समाधान है। द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल शुड सस्पेंड देयर एक्टिविटीज फॉर सम टाइम एंड कीप क्वाइट। तो यहाँ पे कवि का सुझाव है कि सभी लोगों को उनके एक्टिविटीज़, अपनी गतिविधियों को निलंबित कर देना चाहिए और कुछ समय के लिए उन्हें चुप रहना चाहिए। वो चाहता है कि जो है जितने भी लोग हैं वो सभी क्या करें, वो अपनी गतिविधियों को रोक दें और कुछ समय के लिए वो चुप रहें। दे शुड लुक इनसाइड एंड एनालाइज देयर एक्शंस। उन्हें अंदर देखना चाहिए और अपने कार्यों का जो है विश्लेषण करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। This will cleanse every heart. यह हर दिल को क्या करेगा, क्लींस कर देगा, शुद्ध कर देगा। अगर हम बात करें राइम स्कीम की, द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, सो इट डज नॉट फॉलो एनी राइम स्कीम। इसका कोई राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स में लिखी गई कविता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनती करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। सिर्फ एक बार इस धरती पर हम कोई भाषा नहीं बोलेंगे। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ पल भर के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और अपने बाजू को भी ज़्यादा ना हिलाएं। तो यहाँ पर कवि जो है वो सभी से
अपने मन में 12 तक की गिनती करने और थोड़ी देर रुकने की रिक्वेस्ट करता है। हो सकता है कि कवि द्वारा कहा गया यह 12 जो है वो घड़ी के 12 घंटे हों या वर्ष के जो साल के 12 महीने हैं वो हों। वह चाहता है कि हर कोई रुककर शांत हो जाए। वह सभी से किसी भी भाषा को ना बोलने का आग्रह करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जो कभी कभी शांति के लिए हमारे रास्ते में एक बाधा बन जाती हैं। इसलिए वह लोगों से बात ना करने के लिए कहता है। यही नहीं, वह यह भी चाहता है कि हम अपनी बाहें हिलाना बंद कर दें। अब बाहें हिलाने का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर वर्ड आर्म्स का प्रयोग किया गया है। आर्म्स, आर्म्स शब्द, वैसे आम तो सभी को पता है कि आर्म्स क्या होते हैं, हथियारों को भी कहा जाता है। तो आर्म्स शब्द का उपयोग करने से उनका जो मतलब है उन हथियारों से है जो अलग अलग देशों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए मूल रूप से कवि हम सभी से क्या कर रहा है, वो शांति की मांग कर रहा है। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। एग्जॉटिक क्या होता है? अनयूजुअल। तो इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। यह एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा, एक अद्भुत क्षण होगा जिसमें ना कोई भाग दौड़ होगी विदाउट रश और ना ही कोई मशीन चलेगी। और क्या होगा? वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और हम सब एक अजीब तरीके से एक दूसरे के निकट होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। तो यहाँ पे कभी ये कह रहा है कि जब हम सभी शांत हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? जो ठंडे सागरों में जो मछुआरे हैं वो भी क्या होगा, व्हेल मछलियों को नहीं मारेंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और यहाँ पर नमक इकट्ठे करने वाले व्यक्ति के बारे में बात की गई है कि जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहा है उसे भी अपने घायल हाथों को देखने का समय मिल जाएगा, उसके पास भी अपने घायल हाथों को देखने का समय होगा। तो कभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह एक बहुत ही क्या होगा, एग्जॉटिक मोमेंट होगा, एक दुर्लभ स्थिति होगी जब कोई इंजन काम नहीं करेगा, कोई रश नहीं होगा, कोई भाग दौड़ नहीं होगी, सभी इंजन, अब इंजन की बात की जाए, यहाँ पे इंजन कौन कौन से, यहाँ पे इंजन जो है जैसे मशीनें हैं वो सभी बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो अचानक ही क्या होगा, बिल्कुल अजीब सी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में अचानक ही क्या होगा, सभी को शांति का अनुभव होगा। लोग उस एक के बाद एक जो मेटरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जो भौतिक चीज़ों को हासिल करने की जल्दबाजी में नहीं होंगे, जो मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, वो भी रुकेंगे, समुंदर में व्हेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो कवि है वो जानवरों को नुकसान ना पहुंचाने का आग्रह भी कर रहा है। यहाँ पे वह व्हेल का उदाहरण देता है क्योंकि भोजन या मतलब बिजनेस के लिए ना जो व्हेल का शिकार बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो इसलिए उसने व्हेल का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। और ये वो ये भी चाहता है कि लोग जो है वो शांत हो जाएं ताकि रुक सकें और देख सकें कि उन्होंने क्या हासिल किया है या क्या खो दिया है। इसके लिए वह उस आदमी का उदाहरण दे रहा है जो कि नमक इकट्ठा करता है, जिसके हाथों में चोट लगी है। यहाँ पे वो ये भी कह रहा है कि उसने कि हम सभी लोग जो हैं रुक जाएं और अपनी अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको देखें और महसूस करने के लिए हमारे पास समय हो कि हमने जो भौतिक चीज़ों को, जो मेटरियलिस्टिक थिंग्स को प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास था वो क्या क्या हमने खो दिया है, कितना कुछ खो दिया है, नया पाने की होड़ में हम क्या क्या और खो चुके हैं। दोज़ हू प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे जो नए युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। तो गैसों के साथ युद्ध या आग के साथ युद्ध की जो तैयारी कर रहे हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो क्या हो जाएगा उन सब का अंत करने वाली क्या है, विजय की क्या हो जाएगा, वुड पुट ऑन क्लीन, वो सभी जो लोग हैं वो रुक जाएंगे, वो जो जितने भी युद्धों में लगे हुए हैं वो सभी रुक जाएंगे, कोई युद्ध की तैयारी नहीं करेगा। वे सभी क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, वे सभी सफ़ेद कपड़े पहनेंगे एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, क्योंकि अब सफ़ेद कपड़े का मतलब यहाँ पे क्या है, शांति। तो युद्ध ख़त्म हो जाएंगे, अब वो सफ़ेद कपड़े पहनेंगे एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड्स डूइंग नथिंग, और वे अपने भाइयों के साथ छाया में आराम से चहलकदमी करेंगे। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर जो कवि है वो इस चीज़ को भी क्लियर कर रहा है, वो चाहता है कि, उसने कहा कि व्हाट आई वांट, मैं जो चाहता हूँ
कि शुड नॉट बी कन्फ्यूज, वो उससे आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, यानी कि पूर्ण रूप से निष्क्रियता की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लाइफ इज़ वट इट इज़ अबाउट, इन सब का केंद्र जीवन ही है। आई वॉन्ट नो ट्रक्स विद डेथ, नो ट्रक्स विद डेथ मीन्स नो डीलिंग विद डेथ। वो चाहता है, वो क्या कह रहा है कि आई वॉन्ट नो ट्रक्स विद डेथ, मैं मौत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो जो कवि है यहाँ पे पेब्लो नेरुदा, वो उन सभी गतिविधियों को रोकने के लिए कहता है जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही हैं। आज सभी जो लोग हैं वो अपनी अपनी गतिविधियों से पर्यावरण को नुकसान पहुँचाकर पैसा कमा रहे हैं। कवि हमसे ऐसा ना करने के लिए कहता है, वह लोगों से अनुरोध करता है कि युद्धों में शामिल ना हो, क्योंकि ऐसी जीत हासिल जो हासिल अगर मान लो जीत हासिल भी हो जाती है तो ऐसी जीत हासिल करने का कोई लाभ नहीं है जिसमें कोई भी जीवित ही ना बचे। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि युद्धों से जो वॉर्स हो रही हैं उससे और जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहे हैं उनसे क्या हो गया, हमारी पृथ्वी पर कोई भी जीवन नहीं रहेगा। बल्कि वह चाहता है कि लोग जीवन और मानव जाति के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। तो वो इवन उसका ये कहना है कि अपने दुश्मनों से भी भाइयों की तरह व्यवहार करना चाहिए और दुनिया में शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना चाहिए। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, अगर हम अपने जीवन को चलाए रखने के लिए सिंगल माइंडेड ना होते एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और केवल एक बार ऐसा होता कि हम कुछ ना करते, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स। शायद एक विशाल शांति कभी अपने आप को ना समझ सकने की इस उदासी को तोड़ सके। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आयर सेल्व्स विद डेथ, और ख़ुद को हमेशा मौत से धमकाते रहने की आदत से हम आज़ाद अपने आप को आज़ाद कर सकें। तो यहाँ पे इस जो संजय में क्या कह रहा है कवि, वो जो कह रहा है कि जो हमारे अंदर एक लालच है पैसे को इकट्ठा करने का, पैसे का विस्तार करने का, धन का विस्तार करने का, तो उसके कारण लोगों को वो मरते हुए नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि लोग जो हैं वो परिणाम, उसके जो रिजल्ट्स हैं परिणाम्स हैं उनके बारे में सोचे बिना भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वो सोच ही नहीं रहे कि उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो तो लगे हुए हैं काम करने के लिए। वे मौत से डरते हैं इसलिए वो मौत से पहले ज़्यादातर चीज़ें जो हैं हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर वह उनसे कुछ समय के लिए रुकने की विनती कर रहा है। यहाँ हर कोई एक ऐसा जीवन जी रहा है जिसमें वह एक के बाद एक विभिन्न जो वस्तुएं हैं वो हासिल करना चाहता है, लेकिन अब कभी क्या कह रहा है कि यहाँ रुकने और देखने का समय है कि क्या हासिल किया गया है, और जो हासिल किया गया है उसका आनंद लिया जाना चाहिए, क्योंकि नया इकट्ठा करने के होड़ में हम जो हमारे पास है हम उसका आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं। तो यह हमें उन दुखों को छोड़ने में मदद करेगा जो हमारे जीवन में इतने बढ़ गए हैं कि जो हमने हासिल किया है उसका आनंद भी नहीं ले पा रहे। हमें जो हमारे पास है हमें उस चीज़ की खुशी नहीं है, बल्कि जो हमारे पास नहीं है उसको इकट्ठा करने की होड़ में हम दुखी हो रहे हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, शायद धरती हमें सिखा सके कि कैसे हर वस्तु मृत लगती है और बाद में जीवित सिद्ध होती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो, अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम चुप हो जाओगे और मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ पे कवि जो है वो मनुष्य को सुझाव देता है कि पृथ्वी से सबक सीखना चाहिए। Perhaps the earth can teach us, वो कह रहा है कि धरती हमें सिखा सकती है, हमें क्या करना चाहिए, धरती से सबक सीखना चाहिए। वो क्या है, जैसे उसने कहा कि एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो इसका मतलब क्या है कि सर्दियों के दौरान सब कुछ जम जाता है और बेजान हो जाता है, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है, बसंत ऋतु का आगमन होता है, तो जो बसंत मौसम की शुरुआत होती है, तो जो प्रकृति के में मौजूद हर चीज़ जैसे कि पेड़ या पक्षी या झरने नदियाँ वगैरह सब कुछ उनको जीवन मिल जाता है। अतः यहाँ पे जो कवि है ना वो प्रकृति का उदाहरण देकर ये कहना चाहता है कि सभी मनुष्य को अपने कर्मों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। वे शांति के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो लास्ट में कवि क्या कह रहा है कि वो अब 12 तक गिनती करेगा और ताकि हम सभी क्या कर सकें, हम सभी शांत हो सकें।